Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा आपको अपने नौशाही किचन में करती हूँ वेलकम। तो आज मेरे किचन में बने हैं खजूर बर्फी रोल्स। इनके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मेरे पास खजूर है, ये 2 कप खजूर है, धोके खुश कर लीजिए। 1 कप मिल्क पाउडर है, इसके साथ ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास है अखरोट, ये 3 चम्मच अखरोट है। इसी तरह 3 चम्मच पिस्ता है, 3 चम्मच काजू के हैं, 3 चम्मच बादाम है और 3 चम्मच कोकोनट का पाउडर है। इन तमाम चीज़ों को मोटा मोटा पीस ले सिवाय कोकोनट के पाउडर के। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून गाय के तेल है और ये मक्खन है मेल्ट किया हुआ, इसको ग्रीस करने के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ शुरू करते हैं। तो खजूरें पूरी एक बड़े बर्तन में डालेंगे, इनको अच्छी तरह से मैश करेंगे, इनको इसको हलवे की जैसा मैश करेंगे। ये इतनी सॉफ्ट खजूरें माशाल्लाह से ये हाथ से ही हो जाएंगी। तो अच्छी तरह अभी इसको और गूंदेंगे। अभी देखिए इसके अंदर थोड़े से लम्स है, बिल्कुल इसको एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। सॉरी मेरे हाथ थोड़े मैसी लग रहे हैं, लेकिन मैंने ग्लव मेरा चेंज करूंगी तो फिर से इनको गूंदेंगे। देखिए खजूर हमारी अच्छे से पिस गई है। अब इस स्टेज पे मैं अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीसी करूंगी और जो दूध हमने आपको दिखाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये काम ग्लव के बगैर ही अब होगा। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से गूंदते जाएंगे, बिल्कुल बर्फ़ी की जैसे इसकी शक्ल हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल ये, इसको अच्छे से ताकि दूध जो है हमारा इसमें मिक्स हो जाए। दूध डालने के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई। अब हम इसको इस तरह से और गूंदेंगे, जो बाकी का दूध रह गया था वो इसमें डालेंगे। तो ये देखिए दूध और खजूर हमारी बिल्कुल एक जान हो चुके हैं, पूरा अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब हम इसको 5 मिनट की रेस्ट देंगे, उसके बाद इसमें अपने नट्स डालेंगे और जो कोकोनट मैंने आपको दिखाई थी वो इसके अंदर फिल करेंगे। फिर ये 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या हम इसके सब क्या करने वाले। अल्लाह रहमान रहीम, तब जो मैंने आपको सारे अपने नट्स दिखाए थे वो हम इसके अंदर डालेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे सिवाय कोकोनट पाउडर के, वो भी मैं इसमें नहीं डालूँगी। थोड़े से इसमें सेसमी सीड डालेंगे, इसको आराम से हम करेंगे और इसको पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर नट्स डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से नट्स को इसमें मिक्स करेंगे। हाथों को अपने आप जो है वो ग्रीसी कर लीजिएगा मक्खन के साथ ताकि ये बैटर आपके हाथों पे चिपके नहीं। अच्छी तरह से इस मिक्स करते जाएंगे। बर्फी की शक्ल इख्तियार कर गया और ये बड़े ही मज़ेदार बनते हैं। मेरे पास एल्युमिनियम फॉइल है, इसको हम थोड़ा सा ग्रीसी करेंगे। वही मक्खन जो हमने मेल्ट करके रखा था उसके साथ जो हमने अपना बैटर तैयार किया था खजूर का, दूध का और सारे नट्स का, उसको हम इसके ऊपर डालेंगे। इसको हाथ से हम जो है करके इसी तरह से इसको फैलाते जाएंगे इसके ऊपर। अब हम इसमें कोकोनट की फिलिंग करेंगे। आप चाहो तो इसके अंदर भी नट्स डाल सकते हो, लेकिन ऑलरेडी मैं मिक्स कर चुकी हूँ तो उस पर इतनी क्वांटिटी इसमें बहुत होगी। इस तरह से इसको फैला लिया, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ही ज़्यादा ये पतला। अब इसके अंदर मैं ये जो मेरे पास कोकोनट और थोड़े से नट्स बच गए थे तो मैंने कहा चलो इसमें भी इसकी फिलिंग में डाल देते हैं। इस तरह से हम इसको इसकी फिलिंग में डालेंगे। अच्छी तरह से इसको डाल दीजिए, इसको इतना ही इसके अंदर फिल करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे किनारों से क्योंकि हमने इसको फोल्ड करना है।
फिर ये बाहर गिरेगा। अब आराम से इसको फोल्ड करेंगे, यूं रखेंगे इसको और यूं। इसी तरह से हम इसको धीरे धीरे फोल्ड करते जाएंगे बड़े ही आराम से। इस तरह से करते करते हम उसको पूरा रोल बनाएंगे। अगर थोड़ा सा कहीं ये चिपके तो आराम से इसको इस तरह से हाथ रख के दबाते जाइए और ये पूरा हमारा एक रोल आपके सामने तैयार। अब हम इसको यहीं रखकर इसी फॉल के अंदर फोल्ड करके बंद करके इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। इस तरह से हम इसको एक पूरा रोल बना लेंगे, दोनों तरफ से बिल्कुल बंद है। अब हम इसको फॉइल के अंदर रखेंगे। यूँ इस शेप को फिर आप सीधा कीजिए एक दफ़ा इस तरह से। अब इसी फॉइल के साथ हम इसको जो है अच्छी तरह कस के ग्रीसी करते हुए हम जो है दो घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में बंद करेंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा उसको काट लेंगे की रेडी। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे, 2 घंटे के बाद हम आपको दिखाएंगे इसका फाइनल। हमारे बैटर को रखे हुए इसको खोलेंगे, ये सही हो चुके। अब हम इसको इसी तरह इसी शक्ल में रख के सीन करेंगे इसको। माशाल्लाह से कोकोनट की फिलिंग भी दिख रही है और इससे पूरा जो है एक पूरा मुकम्मल ही रोल बन चुका है। अब हम इसको स्लाइस करेंगे। ऑयल में इसलिए नहीं उतारूंगी, इसके साथ ये ज़ाया नहीं होगा। जब भी आपका दिल चाहे आप उतार के इसको सारे रोल्स हम डिश में रखती है। अब इसके ऊपर थोड़े से नट्स मेरे पास पड़े हैं, हम वो डालेंगे, कोकोनट डालेंगे। कोकोनट बर्फी रोल्स हो चुके रेडी, तो आप भी खाइए, इंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।